आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा मूल वतन में होता है और सूक्ष्म वतन में सिर्फ सूक्ष्म शरीर होते हैं। मनन चिंतन मंथन की जहाँ स्टेज होती है वो है सूक्ष्म वतन। इस साकारी दुनिया में मनन चिंतन मंथन नहीं होता। साकारी दुनिया में साकार दुनिया वालों का प्रभाव लग जाता है। हम देवान में आ जाते हैं, उनके वाइब्रेशन से चिपक जाते हैं। जो मनन चिंतन मंथन ज्ञान का होता है, नई दुनिया का मनन चिंतन होता है, नई दुनिया की प्लानिंग बनती है, ईश्वरीय सेवा के जो संकल्प चलते हैं, सब संकल्प वो है ऊंची स्टेज। वो ब्राह्मणों की नीची साकारी दुनिया की स्टेज नहीं है, इसलिए वो है सूक्ष्म वतन। माने स्थूल रूप में कोई नहीं होता है, इस स्थूल रूप में कोई ऐसा स्थान नहीं है, ये ऊंची स्टेज की बात है। जैसे कि परमधाम को इस धरती पर तुम बच्चे उतार लेंगे तो वो कोई ऐसे स्थान की बात नहीं है, वो स्टेज की बात है। हाँ, नहीं रहना चाहिए इस दुनिया में। आप पहले ये पक्का करिए कि आप कौन हैं। आत्मा माने मन बुद्धि, तो मन बुद्धि से इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए या शरीर से नहीं रहना चाहिए, फिर वो बात प्रश्न खत्म हो जाता है। और हाँ जी, आपने बोला आगुन बनना है तो पढ़ाई से, तो पढ़ाई मुख्य है, तो पढ़ाई तरफ आगुन से। पढ़ाई मुख्य नहीं है, पढ़ाई तब तक मुख्य है जब तक बाप को पूरा नहीं पहचाना है। पहचानी, जब पहचानी तो बुद्धि कहाँ चिपक जाएगी? बाप की पहचान पूरी हो गई तो बाप को छोड़ेंगे ही नहीं। जैसे कि आत्मा से लड़ाई होता है अभी, तो ये भी उपाय बाप को पहचान। हाँ जी, हाँ जी, तो 2014 साल में से लड़ाई होगा जैसे कि एडवांस में। बाबा ने बोला किसमें लड़ाई हुई? अज्ञानियों में और ज्ञानियों में लड़ाई होगी, ये अज्ञानी अज्ञानी लड़ेंगे हैं? ज्ञानी लड़ेंगे। जो अज्ञानी होंगे वो ही आपस में लड़ मरेंगे। ज्ञानी की तो प्रतीक्षा करना है ना। बाबा ने बोला हाँ हमारे लड़ाई होगा, लड़ाई ना हेल्थ से, लेकिन कैसे जाएंगे? बाबा ने ऐसे ही उपाय, वो लड़ाई बुद्धियों की लड़ाई है, याद में स्थिरियम होने की लड़ाई है, एक बाप का साथ संग देने की लड़ाई है। माया हमको हिलाती रहेगी, हम हिलने वाले नहीं होंगे तो लड़ाई की दरकार ही नहीं है। पांडव लड़ाई नहीं लड़ते। हैं? जोर से बोलो। आत्मा पंखा बंद कर दो। आत्मा दो प्रकार की है। दो प्रकार की कौन कौन सी समझते हैं आप? हैं? आत्मा एक आत्मा दो प्रकार का वाइब्रेशन होता है, है? आत्मा न स्त्री होता है न पुरुष होता है। रंग के रंग से कभी पुरुष बनता है और कभी
स्त्री चोला धारण करता है। स्त्री चोले को जीवन भर याद करता रहेगा तो अंत समय में क्या याद आ जाएगा? स्त्री चोला ही याद आ जाएगा अंत मते तो गति हो जाएगी। ऐसे ही अगर स्त्री चोला वाला आत्मा है, सारे जीवन काम विकार प्रधान होने की वजह से पुरुष चोले को याद करता रहा तो अंत समय में क्या याद आ जाएगा? वही पुरुष चोला याद आ जाता है, अंत मते तो गति हो जाती है। बाकी आत्मा न स्त्री है और न आत्मा पुरुष है। जैसे पपीते का बीज होता है, पपीते का जो बीज है जब बोया जाता है तो पता चलता है ये मेल मेल के रूप में पैदा होगा कि फीमेल के रूप में पैदा होगा, नहीं पता चलेगा। जब बोया जाता है तो अपने संस्कार के अनुसार वो फीमेल पैदा भी हो सकता है और वो पौधा मेल भी पैदा हो सकता है। ये संस्कारों की बात है। और सुखाला मौत माने जिसमें दुख का नाम निशान न हो, तुरंत मौत हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाबा को हार्ट फेल हुआ, अब डॉक्टर आया तब तक शरीर छोड़ दिया। तो जो उनका अगला जन्म होगा वो अच्छी जगह होगा या नीचे परिवार में होगा? अच्छी जगह होगा। इसलिए साहब ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या चाहते हैं, हैं? जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया है, ऐसे हमारा भी शरीर छूट जाए। प्रजापिता कब से प्रत्यक्ष होता है? 76 से पहले उसने अपनी शूटिंग नहीं कर ली निश्चय की है? सवाल ही खत्म हो जाता है। ज्ञान 76 से पहले था या 76 के बाद ज्ञान अमृत आता है जो अमर बनाता है? अमृत अमर बनाता है माने 76 से पहले अमृत जो मंथन से निकलता है वो अमृत नहीं था। 76 के बाद विचार सागर मंथन से अमृत निकलता है, विष भी निकलता है। और ज्ञान में हर हर बम बम कहते हैं, भक्ति मार्ग में हर हर बम बम कहते हैं माने तब तक दुखों का हर 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 माने हरण नहीं होगा जब तक बम नहीं फटेंगे। एक तरफ ग्लानी के बम फटे हाहाकार करेंगे और दूसरी ओर ज्ञान के बम फटेंगे जय जयकार करेंगे, तब कहा जाता है हर हर बम बम। ये अंत समय का गायन है
या आदि और मध्य का गायन है, अंत समय का गायन है। बाकी हरे कृष्णा हरे राम ये तो भक्ति मार्ग की बातें हो गई। एक को याद करना चाहिए या दो को याद करना चाहिए? एक को याद करना चाहिए। हरे राम हरे कृष्ण कहते हैं इसका मतलब राम के भक्त रहीम के बंदे हैं ये सब आंखों के अंधे। उनकी बुद्धि में राम कृष्ण ही बैठा हुआ है, उनकी बुद्धि में क्या नहीं बैठा हुआ है कि पतितों को पावन बनाने वाला सुप्रीम सोल नहीं बैठा हुआ है। भूल जाते हैं, साकार की ओर बुद्धि चली जाती है। है ये पीबी के और पीबी के वालों बी के वालों में जो युद्ध हो रहा है वो किस बात का युद्ध हो रहा है? बी के वालों ने जीवन भर जिसका संग किया है, जिस परिवार में पले हैं, सारा जीवन, तो उसको बड़ा कहेंगे? या जिससे संपर्क संबंध ही नहीं जुटा है उसको बड़ा अनुभव करेंगे? है? है? जिसकी गोद में जीवन भर पले हैं तो संस्कार पक्के हो गए हैं। जब तक वो कृष्ण और ब्रह्मा की बुद्धि में ये बात पक्की नहीं बैठती है कि गीता का भगवान मैं नहीं हूँ, साकार में मेरा पार्ट नहीं है, गीता का भगवान का साकार पार्ट कोई और है, तो उनके फॉलोअर्स भी कैसे संगति हो जाएगी? है? लेकिन ये तो भक्ति मार्ग में कहते हैं क्या? है? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो दिखाए। तो क्या ब्रह्मा गुरु ने गोविंद भगवान को दिखाए दिया? गौ इंदु, गौ माने इंद्रियां, इंदु माने राजा, इंद्रियों का राजा बनने का पार्ट 100% किसका है? साकार में एक ही आत्मा का पार्ट है, बाकी सब नंबर वार। तो गोविंद को उन्होंने कहां दिखाई दिया? खुद ही नहीं पहचाना। प्रजापिता का नाम बाद में डाला तो बाप ने तो सब कुछ डाला मुरलियों में, लेकिन समझने वालों ने कितना समझा? मूल बात समझने की है या सुनने सुनाने की है? कानों से तो सुन लिया कि प्रजापिता नाम होना चाहिए, ब्रह्मा कुमार कुमारी से पहले, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से पहले प्रजापिता का नाम होना चाहिए, लेकिन इस रहस्य को समझा कितनों ने? कोई ने समझा? गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान गीता पति भगवान, गीता माता, माता साकार होती है, निराकार साकार होती है, तो पति कैसा होगा? वो भी साकार होगा, वो कौन है ये समझा? समझा ही नहीं। मूल बात तो समझने के ऊपर है। बुद्धि को अप्लाई करने से समझ मिलती है। बहुत बार है बाबा आप राम को कहा जाता है। हाँ, बच्चा कृष्ण को कहा जाता है। माना बच्चा बुद्धि कौन है? कृष्ण की आत्मा है बच्चा बुद्धि, रचना और रचयिता कौन है? राम वाली आत्मा है, उसको जन्म देने वाला रचयिता, ज्ञान में भी जन्म देता है, आज में भी जन्म दिया था,
और अंत में भी जन्म देता है। पढ़ाई करती थी, उसके लाया गीता का भगवान कौन है, उन्होंने लिखा गीता का भगवान कृष्ण है, इस कॉलेज का प्रिंसिपल उसको गिरफ्तार किया। अरे समझ के प्रश्न पूछा करो, सब लोग पढ़ाई पढ़ाने लग पड़ते हैं। हाँ बोलो। हाँ लेकिन बाबा तुमको पास करा देगा, ठीक है, इस बात पर तुमको लड़ना पड़ेगा। तो गीता का भगवान जो चीन है ये साबित करने में तुलसी बाबू का ही पार्ट है, इनको ही गीता का लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, ये लड़ाई क्या आज में भी कोर्ट में लड़ाई करने वाली ज्यादा बोलने वाली कौन थी, है कोई ब्रह्मा कुमारी थी या कोई मुख्य ब्रह्मा कुमारी थी, कौन मम्मा, छोटी मम्मा या बड़ी मम्मा, छोटी मम्मा थी, अभी भी कौन होगी, हाँ थी तो अंत, तो कौन लड़ाई लड़ेगी, जो छोटी मम्मी का पार्ट होगा, मम्मी तो कहना ही नहीं चाहिए, छोटी माँ का जो पार्ट होगा वो ही लड़ाई लड़के विजय को प्राप्त करा देगी। हैं अभी पवित्र हैं। सनातन धर्म के जो देवताएं थे वो पवित्र थे या पवित्र थे, हैं पवित्र थे, तो कैसे लिखे अपन को देवता साबित कैसे करें, इसलिए क्या लिखते हैं, हिंदू लिख देते हैं। हाँ तो वो हिंसा को दूर करने वाले हैं या और बढ़ा रहे, दोनों प्रकार की हिंसा और बढ़ रही है या घट रही है, और ही बढ़ रही है। लेकिन हिंदी से लिखने से बहुत गर्व होता है, हिंदी से लिखने से गर्व होता है, झूठा गर्व होता है या सच्चा गर्व होता है, सच्चा गर्व है। हाँ जब हिंसा को दूर करने वाले हैं ही नहीं, हिंसा को और ही बढ़ाने वाले हैं और नाम रख लेते हैं हिंदू, तो गर्व सच्चा है, अभिमान सच्चा है या झूठा अभिमान है, झूठा अभिमान है, कितने दिन चलेगा। बाबा श्री बाबा ने बोला है किसी परिवार का एक आत्मा भी अगर ज्ञान में चले, एक दिन पूरा परिवार ज्ञान में आए चलेगी, ठीक है, कब होगा वो, अभी तो ऐसा कहे जा रहा है जो पांच आदमी ज्ञान में चलता भी दो बार चलता है सब ज्ञान छोड़ देते हैं, तो क्या हुआ, ये लक्ष्मण को मूर्छा लगी थी या नहीं लगी थी, हैं तो क्या मर गया था, हैं जिंदा हुआ कि नहीं, फिर टाइम की, अरे लो कमाल है, अभी बता दिया कि विनाश कब होगा, अंत समय में विनाश होगा, जब विनाश होगा तो सब जग जावेंगे। हाँ है? हाँ जी, पिछाड़ी में होगा, पिछाड़ी कब होगी, अरे पिछाड़ी कब होगी, हैं हाँ पिछाड़ी होगी तो विनाश भी पूरा होगा।
पता पड़ गया ना। तो क्या हुआ, डेट तो नहीं पता पड़ जाएगी। तो किसने बोला है, हमारे बाप ने बोला है क्या? अरे तो जिसने जो बोला उसी की बात मन में चलती रहती, इसने ये बोला, इसने ये बोला, इसने ये बोला है। हाँ जी, भक्ति मार्ग का 33 है। माया सभ्यता, माया सभ्यता बोल के जो बोलता है एक कैलेंडर बनाया जो मिट्टी को लगाई थी, तो माया सभ्यता 5000 साल पहले तो उन लोगों ने जो कैलेंडर बनाया उसके कैलेंडर में देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को डेट ठीक है, है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो डेट दिया हाँ वो भी ठीक हुआ क्या? अरे वो कैलेंडर में जो डेट दिया हाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम दिया 1914 में हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम हुआ 1945 में वो कैलेंडर चलते चलते 21 दिसंबर 2012 में आके कैलेंडर रुक गया, उसके बाद हर कोई डेट नहीं है। तो इसीलिए वो लोग ज्योतिषम दिया सब जो ज्योतिर्विद है सब जो है और सब प्रोजेक्ट है। ये मैक्सिको की बात है, उसका एक कैलकुलेशन है। इसके लिए बोलता अभी अभी इतना दिन हम लोग अभी तो बोलता था विनाश होगा विनाश होगा, कोई नहीं मानते थे। अभी ये जो भी कैलेंडर का बात उठा, अभी भारत में चारों बात ये सीरीज चल रहा है, ये 21 दिसंबर 2012 में विनाश हो जाएगा। अच्छा, तो अभी सब जड़ गया। तो ये माया की सभ्यता बताती है या ईश्वर की सभ्यता बताती है? तो बताने वाले खुद भी मायावी हैं, वो नहीं जानते हैं कि पृथ्वी किसका नाम है, पृथ्वी माता कौन है जो धुरी चेंज करेगी, सब कुछ विनाश हो जाएगा। वो अंदर की बात है या बाहर की स्थूल दुनिया की बात है? अंदर की बात है। बिल्कुल परिवर्तन आएगा, दुनिया में परिवर्तन आना है तो जो सारे जगत की माता है उसमें परिवर्तन नहीं आएगा है? बाबा कितने गारंटी से बोलते हैं, नैया डोलेगी हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो हम प्रश्न करते हैं उस बात पर, प्रश्न करते हैं माने अंदर कहीं अनिश्चय बैठा हुआ है। जिसने सारा फाउंडेशन डालने में सहयोग दिया, जिसके होने के आधार पर हम यहाँ बैठे हुए हैं, नहीं तो हम भी यहाँ नहीं होते। और उसके लिए प्रश्न चिन्ह, ये तो ठीक बात नहीं है। होना चाहिए है इसके आस पास, 2012 के पास होना चाहिए ना। जब सच्चाई प्रत्यक्ष होगी, सच्चाई प्रत्यक्ष होगी तो झूठ को मिर्ची लगेगी या नहीं लगेगी है? है? अभी बीके वालों के सामने सच्चाई प्रत्यक्ष हो रही है तो उनको मिर्ची लग रही है कि नहीं लग रही? लग रही है। सारी दुनिया को भी मिर्ची लगेगी। क्यों कंफ्यूजन होता है? उन्होंने जो कुछ कैलकुलेशन निकाला है, क्या वैज्ञानिकों के कैलकुलेशन झूठे साबित नहीं होते रहे? झूठे साबित होते रहे तो ये भी झूठा है। अरे अभी तक उन्होंने ग्रह उपग्रह ढेर सारे निकाल लिए जिनमें कहते हैं जीवन है, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए, प्लाट खरीदने के लिए, फिर
सच्चाई मिली या नहीं मिली? अरे इतनी तो बात बुद्धि में आ जानी चाहिए कि जीवन होने के लिए एक निश्चित दूरी चाहिए सूर्य से, वो निश्चित दूरी सूर्य पर ही है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में ही है, वो भी सारी पृथ्वी पर नहीं, जो पृथ्वी का मध्य भाग है और उसके आसपास का कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास का भाग है, वो ही निश्चित दूरी है, वहाँ ही जीवन है। इससे परे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है तापमान, वहाँ जीवन नहीं हो सकता। तो और ग्रह उपग्रह तो कोई कितने दूर हैं और कितने सूर्य के पास हैं, तो वहाँ जीवन कैसे हो सकता है? है हिंदी बोलती पारी ना, तो कंपल फरक्काबाद में आ पारी। नहीं तो कलकत्ता मिनी गोदौन में आके रहने लोगो। और वो कि बीज होता है बाबा अष्टदेव, और नष्ट तो देव होता है ना, अष्टदेव कहाँ नष्ट देव होते हैं? अष्टदेव के अलावा हाँ कौन होगा? कौन होगा माने बाप पार्ट बताते हैं, है विधर्मी होंगे पक्के, जो अपने धर्म के पक्के होते हैं वो जल्दी चेंज होते हैं। बौद्ध उनके जो बीज होंगे पक्के पक्के, वो देवी देवता सनातन धर्म के बीज नहीं होंगे, तो अंत तक ग्लानी करते रहेंगे या ज्ञान सुना देंगे, बाप को प्रत्यक्ष करेंगे या खुद भगवान बन करके बैठेंगे, हैं? गुरु बन करके बैठना माने ग्लानी करना, हम ही सच्चे हैं, हम ही भगवान हैं, शिवो हम, तो ये ग्लानी करना हुआ या ज्ञान सुनाना हुआ? ग्लानी करना हुआ। भला है तो उस भलाई का उनको फायदा मिल जाता है कि भगवान की जो राजगद्दी दिखाई गई है भक्ति मार्ग में उसमें दास दासी बन जाते हैं, नहीं बनते हैं? के? मना ऐसा दास दासी बनना ही पसंद है? अरे नहीं बाबा, हाँ होगा, अब जो पुरुषार्थ करेगा तो होगा। सदगुरु निंदक साथ में रहने का छोर न पावे, विधर्मियों के बीच में रह करके विदेशों में रह करके ईश्वरीय सेवा करनी पड़ेगी, बाप के नजदीक रहने का मौका ही नहीं मिलेगा। बाबा तो सूर्यवंशी कैसे हुआ? सूर्यवंशी होने का मतलब है कि सूर्यवंशी जो बीज है सारी दुनिया के उनमें बुरे नहीं है। हाँ हाँ, 12 में स्थापना करने वाले, पालना करने वाले और विनाश करने वाले बीज नहीं है। अरे शिव के जो 3 पुत्र हैं उनमें एक स्थापना करने वाला, विनाश करने वाला, पालना करने वाला है या नहीं है? तो जो पहला है, पहला
उसी के पहलौटी के तीन बच्चों में ही इतना अंतर है। तो जो पहली डायनेस्टी बनेगी उसमें सारी दुनिया के बीज नहीं होने चाहिए, हैं? सारी दुनिया के पूर्वज उनमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हैं? होना चाहिए। नखदेव कहे जाते हैं, नंबरवार कहे जाते हैं, या अव्वल नंबर उनको घोषित कर दिया गया? अभी तो ड्रामा पड़ा हुआ है ना। अगर राजगद्दी तैयार हो जाएगी, राजधानी तैयार हो जाएगी, तो राजधानी तैयार होने के समय वो चवर डुबाने वाले, छत्रधार छत्र को धारण करने वाले, वो दास दासी होंगे या नहीं होंगे? वो राजधानी में उनका नंबर होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। ये तो वो भाई का ही प्रश्न है ना, तो पार्ट खोलने वाली बात है ना। अगर ऐसा पार्ट बजा देंगे 100% अंत तक विरोध करेंगे तो जरूर उस नंबर में आवेंगे। अगर कोई दूसरा नंबर ले जा देगा तो कैसे आवेंगे? ये तो दौड़ है, स्थापना करने वालों की भी दौड़ है, पालना करने वालों की भी दौड़ है, और विनाश करने वालों की भी दौड़ है। इतनी हिम्मत चाहिए। लेकिन आपने भी कौन कौन धर्म हमारा बाबा आठ धर्म को ना, जो आठ धर्मों का मुखिया तो उसमें तो आठ धर्मों के पूर्वज मुखिया नहीं, मुखिया अच्छी बात नहीं है। आठ धर्मों के पूर्वज पूर्वजों को ऊंची दृष्टि से देखते हैं या धर्म पिताओं को ऊंची दृष्टि से देखते हैं? पूर्वजों को ऊंची दृष्टि से देखा जाता है। धर्म पिताएं तो सब अपने धर्म के पक्के होते हैं, वो तो चेंज होने वाले ही नहीं है, भगवान की बात को पूरा पूरा मानने वाले ही नहीं है। तो एक ये मतलब ये है तो वो तो आधार के जन्म देने वाला सुर बीज तो हुआ ना, सुर बीज तो कहा था ना, सुर बीज जो आधार के जन्म देने ना क्यों नहीं देंगे? तो रतन क्या सकते हैं? रतन में क्या सकते रतन? रतन अलग बात है, रतन एक दूसरे से बहुत कम वैल्यू के होते हैं। रत्नों में कहाँ पुखराज और कहाँ अव्वल नंबर रतन हीरा, कितना ब्रॉड अंतर है। कहाँ मूंगा, कहाँ मोती, कहाँ माणिक्य, अंतर नहीं है। और सूर्यवंशी जो आठ हैं, जो अष्ट देव हैं, वो तो सारे ही हीरे हैं या दूसरे दूसरे रतन? सारे ही हीरे हैं, सूर्यवंशी हैं, हीरा पार्ट धारी माना सूर्यवंशी, ज्ञान की चमक मारने वाले हैं, उनसे जास्ती ज्ञानी प्रैक्टिकल जीवन में और हो ही नहीं सकते। आठ में चार, आठ में चार कहाँ है? बारह में से जो लास्ट वाले चार हैं वो हीरा कैसे हो गए? सूर्यवंशी हैं, सूर्यवंशियों में बारह में से लास्ट नंबर है, लेकिन वो हीरा वो कोटि के नहीं है जिन्हें सब धर्मों का पूर्वज कहा जाए। वो सिर्फ क्रिश्चियन धर्म के पूर्वज हुए। क्या सबको एक दृष्टि से देखने वाले नहीं है? उनकी आज से लेकर अंत तक पांच लिपि वाली दृष्टि रहती है या सब एक समान दृष्टि रहती है? पांच लिपि वाली दृष्टि रहती है। जो है वो बात अलग, वो बात अलग। और कृष्णा जी ने जिला होगा, पिछाड़ी का मतलब संगम युग की पिछाड़ी कब है? प्रत्यक्ष होने की पिछाड़ी कब है?
अरे सन 76 प्रत्यक्षता की पिछाड़ी है, सन 47 प्रत्यक्षता की पिछाड़ी है, यह 2018 प्रत्यक्षता की पिछाड़ी है, कब है? एक तरफ प्रत्यक्षता के नजारे, दूसरी तरफ विनाश के नजारे। आज और जो तीन है, वो तो वैल्यूलेस हो गया। आज समझ हाँ जी, वो तो वैल्यूलेस हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं। वो तो सिर्फ दूसरों की वैल्यू को बताने के लिए, कभी इधर और कभी कभी उधर। बारह में तो है। हाँ जी बिल्कुल, जो सबका पूर्वज होगा वो ही धारणा में परिपक्व नहीं होगा, तो पूर्वज का टाइटल कैसे मिल जाएगा? हर धर्म में कोई ना कोई अच्छी धारणाएं हैं या नहीं है, है? तो उन अच्छी अच्छी धारणाओं का मुखिया तो कोई होगा कि नहीं होगा? एक ही होगा कि दो चार होंगे? एक ही होना चाहिए। हाँ जी पूजा शब्दों का अर्थ क्या है? शुरू माने क्या है? देवता, जैसे तेलुगु में कहते हैं अक्कैया अन्नैया, ये बड़े का सूचक है ना, या शब्द आ जाता है ना, अय्या अय्यप्पा। तो सूरी का मतलब क्या हुआ? सूर्यवंशियों का अप्पा, बड़ा। उससे बड़ा सूर्यवंशियों में कोई होता ही नहीं है। भगवान जब आता है तो पहले पहले ज्ञान किसको देता है? सूर्य को देता है। भगवान तो भक्ति मार्ग की बात हो गई, वो तो काले कपड़े पहनते हैं, है? काला किस बात का सूचक है? है? उनकी आत्मा काली है या कपड़े काले दिखाते हैं? है? आत्मा काली दिखाने के लिए उन्होंने काले कपड़े दिखाए हुए हैं। वास्तव में जो अपना सच्चा पोता मेल देते हो वो आत्मा से काले कहे जाएं या गोरे हैं, गोरे हैं, तो ये सब बेहद के अय्यप्पा की औलाद बैठे हैं। यहाँ यात्रा करते हैं तो पैदल यात्रा करते हैं या सूटेड बूटेड होकर के करते हैं? पैदल यात्रा करते हैं, माने उनकी यात्रा बुद्धियोग की यात्रा है, कोई प्रकार का स्थूल आधार लेने की यात्रा नहीं है। इंद्र का अर्थ क्या है? है? इंद्र का अर्थ है राजा। इंद्रियां सारे शरीर को चलाने वाली है, पूरे शरीर को चलाने वाली कौन है? इंद्रियां हैं। दो प्रकार की इंद्रियां हैं, एक ज्ञान इंद्रिय है और एक कर्म इंद्रिय है। तो ऊंची स्टेज कौन सी इंद्रियों की है? ज्ञान इंद्रियों की ऊंची स्टेज है, ऑर्डर देने वाली है। कान पहले सुनता है,
वो मर गया, तो क्या करना है? वो फिर ऊंचे थे इनकी इंद्री, उसके पास बात पहुंचती है, वो फैसला कर देता है। तो जो इंद्रियां हैं वो शरीर को चलाने वाली राजा हैं, नंबर वार। लेकिन सबका मुखिया कौन है? सब इंद्रियों का मुखिया कौन है? नहीं, मन। ग्यारहवीं इंद्री सबको मुखिया है। सब इंद्रियों की बात पहले कहाँ पहुँचती है? मन में पहुँचती है। फिर उन सबसे ऊंचा है राजा बुद्धि, वो फैसला कर देता है, जजमेंट पावर, क्या करना है और क्या नहीं करना है। बाबा का बच्चा बन गई, बाबा तो मानती है। अरे मानती है, माँ कोई कहे हम मानते हैं, भक्त सारे क्या मानते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, लेकिन मानते हैं क्या, जानते भी हैं? अगर जानते हो तो जो बात भगवान कहे वो मानते भी होंगे। तो बाप बच्चों के लिए आया है, बच्चों से लेन देन करेगा या बाहर वालों से लेन देन करेगा? है तुम्हारी लड़की होगी, भगवान की बच्ची तो नहीं बनी। आप तो नौ महीने बराबर नौ दिन ज्ञान गर्भ में पले हैं, तब निश्चय बुद्धि रूपी बच्चे बने, वो कहाँ बनी है? और फिर अगर बनी भी हो तो फिर रोज क्लास करने वाली हो। बाप के घर में बच्चा खेलेगा या बाहर की दुनिया में खेलेगा? कहाँ रहेगा, कहाँ खेलेगा? तो बच्ची भी की हुई हो और साथ साथ जो बाप के घर हैं, गीता पाठशाला हैं, मिनी मधुवन, उनमें खेलती बहलती भी हो। इतने बड़े क्लास में पर्सनल बातें नहीं पूछी जाती। बाबा जब यज्ञ करते हैं तो स्वाहा स्वाहा बोलते हैं, क्योंकि मैंने पूछा इसका अर्थ क्या होता है, स्वाहा ही क्यों करते हैं? स्वा माने क्या है? तो आत्मा में जो कुछ विकृति भरी हुई है वो सब जल जाए, जो भी पाप भरे हुए हैं वो सब नष्ट हो जाएं, जल भुन करके खाक हो जाएं। तन का मोह, धन का मोह, समय का मोह, संबंधियों का मोह, प्रिय पदार्थों का मोह, वो सब राख हो जाए। इसलिए बेतवाणी में बोला है, अब राख कितने बनते हैं और कौन बनते हैं ये भी देखेंगे। इसको कहते हैं स्वा, हाँ कुछ भी नहीं रहा हमारे पास। विष्णु का अर्थ है, मुरली पढ़ना पवित्रता है या मुरली को समझना ज्यादा पवित्रता है? और मुरली अभी है या बनेगी? अभी विष्णु है कहें या विष्णु होगा? हाँ जी, अरे उनको मालूम है कि सन्यासियों की पवित्रता क्या होती है, और बड़े से बड़ा गृहस्थी बाप जो आया हुआ है उसके साथ रह करके, साथ सो करके पवित्र जीवन बिताने वाली
अनुभव अनुभूति क्या होती है उसको पता है? है नहीं? तो फिर पवित्रता की मूर्ति का एक लिए जब बात बुद्धि में बैठे तो कहा जाएगा। अभी तो ब्रह्मा कुमारियों के रंग में रंगे हुए हैं, सन्यासी लोग क्या समझते हैं? हम बड़े पवित्र हैं। जो बेसिक है, बेसिक एडवांस का ज्ञान देने के पहला क्या बात होना चाहिए बाबा? रोज बात कर रहे, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि पहले से इंसान का निदान सुनना चाहिए। जाओ कैसे बात करे? जिसको भूख ही नहीं है, जान लिया कि ये नहीं सुनना चाहता, ये नहीं पीना चाहता, हम जो भोजन दे रहे हैं वो नहीं खाना चाहता, तो दान भूखे को प्यासे को दिया जाता है, या जो जिसे भूख प्यास लगी नहीं हो उसको बांटते फिर, ये तो मूर्खता हो गई। संदेश सबको देना है, लेकिन जो लेना चाहते हैं उनको समझाना है, जो लेना ही नहीं चाहते कान में उंगली दे लेते हैं तो कहते हैं अल्लाह मियां को याद करो, तो कौन से धर्म के पक्के हैं? समझ लो इस्लाम धर्म के पक्के हैं, तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, और सुन भी लिया थोड़े बहुत चल भी पड़े तो अंत में जब परीक्षाएं आएंगी तो उसमें ढकोसला हो जाएंगे। हाँ जी, तो जो ये टाइम है ना जो सदगुरु का निंद छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी, जो भी अंत में सदगुरु है तो अंत में, लेकिन बुद्ध रूपी तीसरे नेत्र से अभी दिखाई पड़ता है या नहीं पड़ता है? पार्ट तो प्रैक्टिकल में अंत में वो कड़क पार्ट आवेगा, सदगुरु का पार्ट है बहुत कड़क, बाप तो फिर भी प्यार का नुमाइंदा होता है, बच्चों से प्यार करता है, चलो छोड़ो मेरे ही बच्चे हैं, बाप की बच्चों में उम्मीद रहती है, लेकिन गुरु ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखेगा। एक बार कहा नहीं माना, ज्यादा से ज्यादा माफ कर देगा, दो बार कहा नहीं माना माफ कर देगा, तीसरी बार माफ करने वाला नहीं है। उसे सदगुरु कहो या रूहानी मिलिट्री का मार्शल कहो, एक ही बात है, युद्ध भूमि में अगर कोई योद्धा ऊपर वाले आफिसर की बात मानने से इनकार कर दे तो क्या करते हैं? गोली से ठा कर देते हैं, अनिच्छे बुद्धि मौत, मर जाओ, तुम नई दुनिया में जाने काबिल नहीं हो। अरे निंदा शुरुआत से कर रहा होगा या अंत में करेगा? निंदा, निंदा जो करने वाला है वो पहले से ही निंदा करने के संस्कार भर रहा होगा या अंत में जाकर के निंदा करेगा? हैं? पहले से अभी निंदा कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? हैं? हाँ, जिसकी निंदा कर रहा है वो साकार होगा सदगुरु या निराकार होगा? माने कोई है ना, बुद्धि तो समझती है लेकिन बीच बीच में बुद्धि अनिश्चय बुद्धि बन जाती है, पता नहीं है या नहीं, ये हो सकता है। लेकिन फाइनल पेपर है सदगुरु का निंदा छोड़ना पा दे तब उसको मार्किंग लेना चाहिए, सदगुरु का निंदक है तब छोड़ना पड़े। माने अभी की को अगर कोई निंदा कर रहा है, अभी कोई निंदा करने वालों की लिस्ट में है तो वो माफ कर दिया जाएगा? हाँ, सदगुरु की निंदक तो ठहर न पावे, यहाँ बाप टीचर सदगुरु एक ही है या बदल जाएगा? फिर
भले पार्ट बाद में है, प्रैक्टिकल पार्ट बाद में होगा, अभी प्यार का पार्ट है बाप का, टीचर का पार्ट है, भले छोटा छोटा बच्चों में भी ज्यादा लेने वाले, ज्यादा पढ़ाई पढ़ने वाले, ज्यादा समझने वाले हैं या नहीं है, तो वो ज्यादा प्राप्ति कर जाएंगे। जिन्होंने छोटे छोटे, हम तो छोटे ही रहेंगे, सारी जिंदगी पढ़ाई पढ़ते हो गया और हम छोटे ही रहेंगे, गलतियां करते ही रहेंगे। छोटा समझना अच्छी बात है क्या? अरे कृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्मा, उसका भी पद नीचा हो जाता है। जो ऊंचे से ऊंचे संगम हुए है उसमें उसका पद नहीं रहता। तो बच्चा बुद्धि बनना अच्छा नहीं है? यहाँ तो बुद्धिमान बाप के सब बच्चे कैसे हैं? बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे होने चाहिए। ये कह करके छोड़ देना हम तो बच्चे हैं, कितनी बार माफ किया जाएगा? हाँ ज्यादा से ज्यादा मार ज्ञान रतन मार देंगे बस, और क्या मार? ज्ञान की कोई ऐसी तीखी बात कह देंगे जो दिल में लग जाए, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। इससे ज्यादा है कुछ क्या? कुछ भी नहीं है, है? मर क्या जाएगा? पावरफुल होगा तो जिंदा रहेगा, और कमजोर है दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाला है तो मर जाना ही अच्छा। और सतयुग में स्वर्ण लिंग नहीं होता है, सोने का लिंग बनाया जाता है जब भक्ति मार्ग सतो प्रधान होता है, तब सोने का लिंग बनाते हैं। जब सतो सामान्य भक्ति होती है तब रजत लिंग बनाते हैं। जब भक्ति रजो प्रधान बन जाती है तब ताम्र लिंग बनाते हैं, और जब भक्ति तामसी बन जाती है व्यभिचारी तो लोहे का या पत्थर का लिंग बनाते हैं। और सतयुग में कोई लोहे चांदी सोना तांबे का लिंग होने की बात नहीं है। और गंगा है, हाँ जी, समंदर से हरिद्वार, हरिद्वार में गंगा मैदान में आती है, किसके द्वार में? हरिद्वार में, हरिद्वार में नहीं, हर कहते हैं शंकर को, पापों को नाश करने वाला, और हरि कहते हैं कृष्ण को, तो कृष्ण के द्वार में गंगा आती है तब वो मैदान में आ जाती है। मैदान में आना माने युद्ध के मैदान में आ जाती है। ऊंची स्टेज से कहाँ उतर जाती है? नीची स्टेज में आ जाती है। गंगा जब कहा जाता है तो किसी व्यक्ति का नाम पहले है कि पहले सूक्ष्म गंगा ज्ञान की है? पहले चैतन्य गंगा रही होगी या ज्ञान गंगा रही होगी? चैतन्य गंगा भी चाहिए। यज्ञ के आदि में भी वो बेसिक नॉलेज में चैतन्य गंगा थी, अभी भी कहीं ना कहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि ज्ञान गंगा ही एक ऐसी आत्मा है जो शंकर जी के मस्तक पर कन्या के रूप में बैठी हुई दिखाई जाती है कि माता के रूप में बैठी हुई, कन्या के रूप में,
माने सबसे पहले सर्वोपरि सतो प्रधान एडवांस ज्ञान और बेसिक ज्ञान कौन उठाती है? हैं? गंगा उठाती है, भले परिपूर्ण ज्ञान नहीं उठाती लेकिन पहले उठाती है, तो आज में तो अंत में भी प्रत्यक्ष होगी। अभी बात पूरी नहीं हुई। हाँ, बताई ना, पहले गंगा पवित्र ऊंची स्टेज में रहती है, युद्ध की स्टेज में नहीं है। युद्ध करना ऊंची स्टेज है, यह युद्ध से परे होकर के स्टेज बनाना अच्छी बात है। युद्ध की स्टेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन गंगा की बुद्धि में भी बैठता है। गेट वे टू हेवन इज महाभारत। जब तक महाभारी महाभारत युद्ध से पसार नहीं होंगे, ये सत्य और असत्य का युद्ध है, तब तक हमारी आत्मा को प्राप्ति होने वाली नहीं है। फैसला ही नहीं होगा हमने धर्म का साथ दिया या अधर्म का साथ दिया। अरे वो तो उनको कुछ पूरी बात रह गई। साकारी कृष्ण द्वारा मुरली को गंगा नहीं कहा जाता। मुरली को तो कह दिया ये ज्ञान अमृत नहीं है। गंगा के मुख से तो ज्ञान अमृत निकलता है, जो मुख में डाला जाता है वो मंथन किया हुआ ज्ञान होगा या बिना मंथन का ज्ञान होगा? मंथन किया हुआ। तो कोई ऐसी कन्या श्रेष्ठ निकले जिसका गायन उत्तर भारत में, जिसके मुख से वो ज्ञान अमृत निकले और पवित्रता की पावर से चारों ओर उत्तर भारत में फैल जाए, ऐसे ऐसे सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो पहला सन्यासी तो विष्णु होना चाहिए ना, गंगा पुत्र तो विष्णु चाहिए थे ना। विष्णु विष्णु जो है हाँ, तो जो पहले उधर होंगे ना। अच्छा, पहले गंगा होती है कि भीष्म पितामह होता है? पहले दोनों के बीच में पूज्य कौन है, पुजारी कौन है? गंगा पूज्य है। ए? आप कह रहे हैं भीष्म पितामह ज्यादा पूज्य है? गंगा द्वारा तो उद्धार होगा। गंगा द्वारा उद्धार होगा ना, तो पूज्य कौन हुई, गंगा हुई या भीष्म पितामह? गंगा हुई। गंगा के साथ गंगाधर है तो पूज्य है। गंगा नदी के साथ अगर भगवान नहीं है तो नदी नहीं है, क्या है? नाला है। तो बाबा ने मतलब भी बोला जो जगत माता हो उससे कहा था शिखंड, वो भी जिसके सामने जब आ जाता कोई कोई पुरुष में पुरुष नारी तो उनका पुष्प का उसको आशा जो आश्रम का प्रश्न छोड़ देता है, वो जिनसे बात कर देता तो उनका जगत माता का पद क्या होगा? ज्ञान देंगे। अरे जगत माता का पाठ स्त्री चोले में होगा या पुरुष चोले में होगा? तो रुद्रमाला का मन का है तो पुरुष है या स्त्री है? ओरिजिनल में क्या है? अरे क्या है? पुरुष है, लेकिन कभी कभी प्रभाव में भी आ जाता है। जब प्रभाव में आ जाता है विधर्मियों के, चाहे भले कोई सन्यासी क्यों न हो, तो स्त्री है या पुरुष है? पुरुष प्रभावित होता है, स्त्री चोला प्रभावित होता है। तो उसका पाठ कैसे होगा? गंगा का पाठ तो भीतर उद्धार करने के लिए, ज्ञान देने के लिए। तो जगत माता का पाठ कैसे होगा? अरे गंगा का पाठ जो है वो अष्ट देवों में भी ऊंची स्टेज में रख दिया, क्योंकि अष्ट देवों ने इतनी सेवा नहीं की है जितनी
गंगा ने सेवा करके दिखाई है। तो बाप किन बच्चों को आगे रखते हैं? सेवाधारी बच्चों को आगे रखते हैं। और ज्ञान गंगा और चैतन्य गंगा, ज्ञान गंगा कहाँ से निकलती है? साकार से निकलती है या निराकार से निकलती है? फिर दोनों एक ही कैसे? ज्ञान गंगा, ज्ञान सुनने सुनाने की चीज है, समझने समझाने की चीज है, लेकिन सुनना सुनाना, समझना समझाना और प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना, ये कोई प्रैक्टिकल चैतन्य मूर्ति होगी या कोई सिर्फ हवा की बात है? मूर्ति चाहिए ना, तो वो ज्ञान गंगा कौन है? ज्ञान की गंगा, जिसको सन्यासी लोग पूजते हैं, वो गृहस्थी थी ओरिजिनल में या सन्यासी थी? हस्तदेवों से ऊंचा नहीं है, हस्तदेव तो सबके पूर्वज हैं। हस्तदेवों में कोई ऐसा भी है जो सन्यासियों का भी पूर्वज है? और गंगाधर कहा जाता है, धरावना करके रखा है, तो गृहस्थी हुई या सन्यासी हुई? अरे कलकत्ते वाले ऐसा प्रश्न पूछते हैं, जहाँ बाबा ने बताया है कि कलकत्ते में पहले ऐसा रिवाज था, एक तो ओरिजिनल स्त्री होती थी, दूसरी धरावना करके धर लेते थे, उसको मकान बना के देते थे। तो किसको फॉलो किया? गंगाधर को फॉलो किया कलकत्ते वालों ने या किसको किया? है गंगाधर को फॉलो किया। पता ही नहीं था? सब पता तो तुम्हें बहुत सी बातें एडवांस की नहीं थी, और एडवांस की सारी बातें पता थी क्या? पैदा होता इसीलिए जो गंगा गंगा जी का उत्तर भारत में इसीलिए जब देवताएं प्रत्यक्ष होंगे तो असुर भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी कोई अपने को असुर मानेगा है? कोई ये कहेगा कि मैं असुर हूँ, राक्षस हूँ, मैं मानता हूँ, मानेगा? कोई नहीं मानने के लिए तैयार होता। जब ज्ञान में से मर जावेंगे, बेसिक से भी मर जावेंगे, एडवांस से भी मर जावेंगे, तो कहेंगे, अंदर फील करेंगे कि अरे हमने राक्षसी काम किया, ईश्वरीय ज्ञान को महत्व नहीं दिया। चलो।